नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंडिकेट बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में अगर आप अपना एटीएम पिन यानी डेबिट कार्ड का पिन भूल चुके हैं तो आप कैसे उसको रीसेट कर सकते हैं, कैसे अपना नया पिन बना सकते हैं। बिना किसी परेशानी के वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए ताकि आपको मिल सके पूरी इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा एक मोबाइल, जो कि स्क्रीन यहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे साइड में दिखता रहेगा ताकि आपको मिल सके पूरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे हम एटीएम में जाते हैं तो एटीएम मशीन में जाने के बाद में अपना कार्ड है वो एटीएम मशीन में हमें स्वाइप करना होता है, इंसर्ट करना होता है। कार्ड इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे लिखा है इंग्लिश या फिर हिंदी, हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। हमें यहाँ पे जैसे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहां पे लिखा है एंटर पिन है, ग्रीन पिन है और कैंसल है। तो हमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन पिन या फिर क्रिएट पिन, इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ जब भी आप ये क्रिएट कर रहे हो पिन तो उस समय ये वीडियो भी साथ में चलाते रहिए ताकि आप कुछ भूले ना। फिर यहाँ पे दोस्तों इसके साथ में यहाँ पे लिखा होगा प्लीज एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। जैसे हमने क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक किया तो हमें अपना मोबाइल नंबर क्रिएट करना होगा। यहाँ पे माफी चाहता हूँ, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो बैंक में लिंक है, रजिस्टर है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और कमेंट में मुझे ये जरूर बताइए आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे व्यूवर्स कहां कहां से आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताइए कि वहां पे सिंडिकेट बैंक की सर्विस कैसी है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यहां पे लिखा होगा प्लीज एंटर 6 डिजिट ओटीपी, मतलब आपके पास एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो अभी आपने एंटर किया है, फिर वो ओटीपी सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहां पे लिखा है कि प्लीज एंटर योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब आप अपना नया पिन सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पिन एंटर करना हो। यहाँ पे आपको जो भी अपना पिन एंटर करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपको जो भी ठीक लगे। 1234 कभी मत रखिए, अपना मोबाइल नंबर कभी मत रखिए, क्योंकि ये लोग आसानी से हैक कर लेते हैं या फिर जितने भी हैकर्स होते हैं उनको पता रहता है कि आपका जो भी बैंक में नंबर लिंक है उसी के आगे वाले जो पिन है या फिर 1234 ऐसे लोग आसान रखते हैं। तो ये कभी भी मत रखिए, अपने हमेशा पिन कोड है वो आसान मत रखिए, काफी ज्यादा हार्ड रखिए तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। फिर यहाँ पे ये लिखने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने इंटरफेस है, यहाँ पे लिखा है प्लीज री एंटर योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहां पे मतलब आप अपने जो नया पिन बनाया है वही पिन आपको वापस लिख लेना है, कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे लिखा होगा योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपका एटीएम पिन है वो सक्सेसफुली न्यू जनरेट हो चुका है, अब आपने जो नया पिन बनाया है वही आपको यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज अब तक दी है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे सिंडिकेट बैंक की सर्विस कैसी है। जय हिंद, वंदे मातरम।